एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 50 करेंट अफेयर प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है आज का प्रश्न कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फिन नामक गैस की खोज की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड एटनबरो को, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है कि यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम का संबंध किस देश से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। अगला है कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो सड़क विक्रेताओं को लाभ मिलेगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 43वां। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बोल्कान बोजाकिर को, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगला है कि 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया। तो महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला है कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। तो अमेरिका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर से। अगला है कि मैसेज फॉर मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीति के श्राप के द्वारा। अगला है कि हाल ही में पेंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर के भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है और यह झील कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। अगला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रतन लाल को। अगला है कि फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर फेडर। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने आई फ्लो
नामक एक वर्गीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला है कि भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। अगला है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CISF ने। अगला प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। अगला है कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला है कि कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू को। अगला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा UAE में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो चीन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई और इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि हाल ही में जिलोंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है, यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। अगला है कि वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड में। अगला है कि फरवरी 2020 में BBIN यानी मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिस इस उसमें शामिल नहीं है? तो ब्रिटेन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन जो है वह शामिल नहीं है। अगला है कि COVID-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। अगला प्रश्न है कि अ सन ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई जिसका लेखक कौन है? तो रॉक्सिन बॉन्ड इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99,300 करोड़। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो भागलपुर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला है कि जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग काइजिन यूज अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, भारत जापान नौसेना अभ्यास। अगला है कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है, यह पहल किस राज्य की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर की। अगला है कि दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम के स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो शेख हसीना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखर पट्टनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि भारत के ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुंजम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा जारी टी20 टीम रैंकिंग में किस देश के क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। अगला है कि सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील से। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटन खिलौने का निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई, एक खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। धन्यवाद। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।